हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करण जी के विद रिवीजन में। आज है 28 जुलाई और बात करते हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। सो बिना देरी किए हुए बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का नाम क्या है जो अभी शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य के कच्छ के क्षेत्र में धोलावीरा जो है वो प्रेजेंट है। इसी को अभी 14th साइट जो है वो इंडिया की घोषित किया गया है। बात करते हैं, कल के वीडियो में अपनों ने बात की थी कि जो 39वीं नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की जो है तेलंगाना राज्य के अंदर रामपाट जो टेम्पल है उसको घोषित किया गया। इसी रामपाट टेम्पल को रुद्रेश्वर टेम्पल भी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको काकतियाई जो वंश है उसके द्वारा बनाया गया था। अब बात करते हैं कि जो ये धोलावीरा है, इसी के साथ साथ जो मेन बात करते हैं कि पर्टिकुलर ये जो प्रेजेंट है वो गुजरात राज्य के अंदर तो है और एक बचकाऊ तालुका है वहाँ पर खादरबेट नाम की जगह है जहाँ पर ये प्रेजेंट है और वहाँ का ये एक पुरातत्विक स्थल भी माना जाता है। बात करते हैं ये जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके 5 जो मुख्य नगर थे उनमें से एक जो नगर है उसको ये माना जाता है। अब आप लोग यदि हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप लोग मुझे यहाँ से कमेंट के अंदर बताइएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो अनदर 4 मुख्य जो शहर है उनके नाम क्या थे। फिर बात करते हैं ये जो धोलावीरा साइट थी वो 1967 और 68 के अंदर जो अपने भारत के JP जोशी जी थे उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसी तरह से बात करते हैं इसका जो एरिया बताया जाता है लगभग 47 हेक्टर जो है इसका एरिया अराउंड बताया जाता है। फिर बात करते हैं अपने रेट्रो पार्क के, ये जो है स्पेन का एक पार्क है जिसको भी अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा अभी मिला है। इसी तरह से वहाँ का एक अन्य पार्क है जिसका नाम पासेओ डेल प्राडो बुलवेडो नाम है स्पेन का, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा है वो मिला है। अब अपने बात करते हैं कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रेजेंट हैं। इन सभी के बारे में यदि अपने बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, सो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक लिस्ट शो कर दी है जिसके अंदर आप ये 40 जो साइट्स है वो देख सकते हो। सो अब ये जो धोलावीरा साइट है गुजरात की तीसरी ऐसी साइट बनी है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल हुई है। दूसरी की बात करते हैं तो गुजरात के पाटान के अंदर रानी की वाव जो है वो, और इसी तरह से थर्ड जो साइट है वो चंपानेर है के अंदर एक पावागढ़ आर्कियोलॉजी पार्क है गुजरात के अंदर। ये यहाँ की जो है वो थर्ड साइट, तीन साइट है गुजरात की जो मानी गई है, बाकी की यहाँ पर दी गई है आप लोग देख सकते हो। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को भी बर्खास्त कर और वहाँ की संसद को जो है निलंबित कर दिया? सो इसका राइट आंसर होगा ट्यूनिशिया कंट्री के जो राष्ट्रपति है कायस सैदेद, इनके द्वारा जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है हिचेम मैचेची, हिचेम मैचेची को बर्खास्त कर दिया। उसके बाद वहाँ की जो संसद है उसको भी भंग कर दिया गया है। अब बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे कि सिंगापुर की बात करते हैं तो सिंगापुर कंट्री को अभी ICC जो पैनल है या फिर ICC जो कंट्री है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उसके अंदर अभी शामिल किया गया है। इसी तरह से तजाकिस्तान की बात करते हैं तो ये भी ICC के अंदर शामिल हुआ है। इसी के साथ साथ जो अभी हाल ही में SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी मीटिंग जो है उसका आयोजन वर्चुअली यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा जो तैरता हुआ सोलर पावर पैनल फॉर्म है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 2.2 गीगावाट के आसपास बताई जा रही है। फिर अपनों ने यहाँ पर बात किया ट्यूनिशिया कंट्री के बारे में, सो बात कर रहे हैं ट्यूनिशिया की। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये ट्यूनिशिया का शो किया गया है। अब बात करते हैं इसके जो नेबर कंट्री अल्जीरिया और लीबिया है, और एक साइड इसके साथ जो मेडिटेरियन सी है भूमध्य सागर वो प्रजेंट है। अब यहाँ की जो कैपिटल है वो ट्यूनिस नाम से चलती है, प्रधानमंत्री की अपने पहले ही बात कर चुके हैं, और कंसी यहाँ पर ट्यूनिशियन दिनार के नाम से चलती है।
अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में कौन शपथ लेगा? सो इसकी जो शपथ है आज 28 जुलाई है और आज ही बताई जा रही है कि ये जो है वहाँ पर शपथ लेंगे। फिर बात करते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बासा राव बोम्मई भी जो है बेसिकली कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। कर्नाटका के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर 15th नंबर की जो विधानसभा है वो चल रही है और यहाँ की दिलचस्प बात ये है कि अभी तक इस 15th विधानसभा के अंदर बसवराज बोम्मई जी है जो 4th नंबर के पर्सन बनेंगे जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे और ये इसका जो पर्टिकुलर टाइम चल रहा है 2080 से 23 तक पर्टिकुलर इसका जो टाइम है वो चलेगा। पहले जो मुख्यमंत्री बने थे बीएस येदियुरप्पा जी बने थे जो कि 2 दिनों के लिए बने थे, फिर कुमार स्वामी जी बने जो कि अराउंड 1 साल के लिए बने और फिर वापस बीएस येदियुरप्पा जी बने जो कि यहाँ पर 2 साल या फिर 1 साल इन्होंने यहाँ पर सॉरी 2 ईयर यहाँ पर इन्होंने कम्प्लीट किए थे। अब बाकी का जो रिमेनिंग है वो देखते हैं क्या ये कम्प्लीट कर पाते हैं या नहीं। बाकी कर्नाटका राज्य के बारे में अपनों कल ही बात की थी तो आज इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं जैसे थावर सिंह गहलोत जी जो यहाँ के राज्यपाल जी हैं और पुष्कर सिंह थामी जो है अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड के भी नए मुख्यमंत्री बने हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जो है वो किसने जीता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रियंका मलिक जो है इन्होंने वुमेन्स कैटेगरी के अंदर जो है ये अवार्ड मेडल जो है वो जीता है। इसी तरह से अपने बात करते हैं जैसे कि अमन गुलिया की बात करते हैं, सागर जालान की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी जो गोल्ड मेडल है वो जीते गए थे और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप वहाँ पर बने थे। अब यदि अपने बात करते हैं वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप के बारे में सो इसका जो आयोजन किया गया था वो हंगरी के बुडापेस्ट के अंदर आयोजन किया गया था जो कि जुलाई 19 से 25 तक इसका आयोजन किया था। वहाँ पर इंडिया के द्वारा जो है टोटल 13 मेडल्स जो है वो जीते गए थे जिसके अंदर 5 गोल्ड मेडल थे। फिर बात करते हैं एक इसके अंदर सिल्वर मेडल था और जो है 7 ब्रॉन्ज मेडल भी यहाँ पर इंडिया के द्वारा जीते गए थे। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चेरापूंजी में ग्रीन सहारा वनीकरण अभियान जो है वो अभी हाल ही में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बेसिकली ये जो है वो लॉन्च किया गया जो कि चेरापूंजी जो कि मेघालय के अंदर प्रेजेंट है वहाँ पर बेसिकली इसका जो है वो आरंभ किया गया है। इसी तरह से बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन है जैसे कि स्मृति ईरानी की बात करते हैं तो ये जो है WCD है वुमन केयर डेवलपमेंट की जो मंत्री है और इनके द्वारा भी हाल ही में महिलाओं पर हो रही हिंसा को देखते हुए 24/7 का एक जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी लॉन्च किया है। अशोक गहलोत जी की बात करते हैं तो राजस्थान के ये मुख्यमंत्री है और अभी यहाँ पर जो कैबिनेट है उसका विस्तार किए जाने की घोषणा इनके द्वारा की गई है। नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी कुछ समय पहले गुजरात राज्य के अंदर जो जैन गार्डन है और अरमाइका पद्धति पर आधारित है उसका उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंदिरा एक सैन्य अभ्यास है जिसका 12वां संस्करण अभी आयोजित किया जाएगा, वो किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रशिया के अंदर बेसिकली इसका आयोजन किया जाएगा। रशिया के जो वोल्गोग्राड सिटी है वहाँ पर इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। अब इसी तरह से अपने बात करते हैं चाइना के साथ इंडिया की हैंड इन हैंड जो मिलिट्री एक्सरसाइज पहले होती थी USA की यदि अपने बात करते हैं तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताने वाले हैं कि जो कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि USA और इंडिया के बीच में होती है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो किस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को पहली इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कॉरपोरेशन ग्रीन सिटीज प्लेटिनियम रेटिंग जो है वो भी मिली है? सो इसका राइट आंसर होगा काशसेज जो है कांदला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि गुजरात राज्य के अंदर प्रेजेंट है उसको पहली ऐसी सिटी होने का दर्जा मिला है जिसको प्लेटिनियम की जो रेटिंग है वो अभी दी गई है। इनको ये रेटिंग इस वजह से दी गई कि वहाँ पे जो ग्रीनरी है उसको इनके द्वारा बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। अब बात करते हैं जैसे कि सांता क्रूज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है मुंबई के अंदर प्रेजेंट है, कोचिन
जो है वो आपका केरला के अंदर और चेन्नई जो आपका तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है। अभी बात करते हैं इंडिया के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर टोटल 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हुए हैं। यदि आप लोग इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं तो जो रिमेनिंग 4 स्टेट्स है उनके बारे में भी आप मुझे नाम जो है वो कमेंट्स में बता सकते हैं। और हाँ, जो भी इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश किया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में विश्व का पहला कौन सा देश बना है जिसने गोल्ड कलर के जो राइस होते हैं उनको लगाने की जो मंजूरी है वो प्रोवाइड करवा दी है। सो इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस कंट्री के द्वारा बेसिकली इसकी मंजूरी जो है वो प्रोवाइड करवा दी गई है। फिर बात करते हैं जैसे कि इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया के अंदर विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर पैनल है तेरता जिसको अपने फॉर्म कहते हैं वो बनाए जाने की घोषणा यहाँ पर की गई है। जापान के अंदर अभी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। और यूएई की बात करते हैं तो यहाँ के एक पर्सन है एमए यूसुफ अली जो कि भारतीय मूल के हैं केरला के रहने वाले, इनको जो है वहाँ का अबू धाबी का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है उसका वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इनको सिलेक्ट किया गया है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिविजन के बारे में। भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का नाम जो है वो रामा टेंपल जो कि तेलंगाना के अंदर प्रेजेंट है और तेलंगाना का ये पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अबू धाबी के सीसीआई के उपाध्यक्ष के रूप में एम ए यूसुफ अली को चयन किया गया। कर्नाटका के मुख्यमंत्री के रूप में जो इस्तीफा दिया वी एस येदियुरप्पा जी के द्वारा गया। विश्व का सबसे बड़ा तेरता सोलर फार्म जो है वो इंडोनेशिया के अंदर बनाया जाएगा जिसकी कैपेसिटी 2.2 गीगावाट बताई गई है। और नासा के द्वारा जो यूरोपा क्लिपर मिशन स्टार्ट किया जा रहा है उसका जो किया जाएगा वो 2024 के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा जिसके लिए उन्होंने स्पेस एक्स को चयन किया है। और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को पूरे इंडिया के अंदर मनाया जाता है जो कि कारगिल विजय के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सिक्के गारियाली के द्वारा लिखी गई पुस्तक बैंक विद द सोल इक्विटीज़ है। इसी तरह से भारत के जो एडमायरल है विनय भादवार इनको जो वाइस एडमायरल है विनय भादवार इनको अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया है। ये जो है विनय भादवार बेसिकली एक हाइड्रोग्राफर है और अलेक्जेंडर डेलरिम ये दुनिया के पहले हाइड्रोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं। सो ये था आज का कंप्लीट वीडियो और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं आज के क्वेश्चन एंड आंसर है। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह यदि आप अपना फोटो यहाँ पर देखना चाहते हैं तो कल के वीडियो में यहाँ पर आपका फोटो पब्लिश होगा। यदि आप मुझे आज के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर कमेंट्स में बताते हैं तो एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।